please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के साथ निकले और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। सरकार बनाने के जतन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जेडीएस पर डोरे डाले और कांग्रेस ने कुमारस्वामी को दिया सीएम बनाने का ऑफर, तो बीजेपी नेता भी देवगौड़ा से मिलेंगे। कर्नाटक में जीत के बावजूद बहुमत पाने में फेल बीजेपी की बैसाखी कांग्रेस ने छीनी और जेडीएस को दिया सरकार बनाने के लिए समर्थन। कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी मिलने के बाद जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने राज्यपाल वजूभाई वाला से मिलने का समय मांगा। कर्नाटक के नए नवेले विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने दांव खेला और सबको बेंगलुरु बुलाया। कर्नाटक में गोवा कांड की आहट से आहत बीजेपी ने हड़बड़ाहट में सरकार बनाने के लिए नड्डा, जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान को बेंगलुरु भेजा। चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे सिद्धरमैया, तो शाम को कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी के साथ मिलने जाएंगे जेडीएस नेता। कर्नाटक के नए नवेले विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने दांव खेला और सबको बेंगलुरु बुलाया। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि शुद्ध आटा बेसन पोहा सूजी, शुद्ध खाइए स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा इस वक्त राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग है। येदियुरप्पा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। येदियुरप्पा के साथ अनंत कुमार, बीजेपी के एक और बड़े नेता, केंद्र में मंत्री, वो भी उनके साथ है राजभवन के लिए। दोनों लोग निकल चुके हैं। 5 बजे का वक्त उनको राज्यपाल वजूभाई वाला ने दिया है जिसपे ये मुलाकात होनी है। और 5:30 बजे का वक्त, जो कि जानकारी हमारे पास आ रही है, वो HD कुमार स्वामी, जो कि जनता दल सेक्युलर के नेता हैं, उनको दिया गया है राजभवन की तरफ से। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मुलाकात कर रहे हैं और फिर उसके बाद HD कुमार स्वामी, जिनको कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, वो राज्यपाल से मिलेंगे। यानी दोनों पक्ष अपना अपना दावा करने वाले हैं सरकार बनाने का। सारा एक्शन जो है वो बेंगलुरु में राजभवन में शिफ्ट हो चुका है। सारे रिपोर्टर, सारे कैमरे इस वक्त राजभवन की ओर लगे हुए हैं। क्या कहना है येदियुरप्पा का राजभवन जब रवाना होने के पहले, पहले वो सुन लेते हैं। प्लीज हियर मी, 5 o'clock आई हैव टेकन अपॉइंटमेंट विद गवर्नर बिकॉज वी आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सो दे मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। Myself, Anand Kumar, all other leaders, we are going to meet Governor. We have taken appointment 5 o'clock. We are single largest party, इसलिए हमको मौका मिलना चाहिए। उसके लिए दावा पेश करने हम राजभवन में जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। मेहमानों का परिचय कराते हैं। इसी नोट के साथ डिबेट की शुरुआत करूंगा। जो खास लोग मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल साहब मेरे साथ हैं। स्वागत है सुधांशु जी आपका। अवनिजेश अवस्थी जी हैं, RSS की जानकार है, स्वागत है आपका। देवाशीष जरारिया हमारे साथ बने हुए हैं, स्वागत है, BSP समर्थक। और शेष नारायण सिंह जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, हमारे रेगुलर गेस्ट, वो भी मेरे साथ है। आप सबका इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूं। सुधांशु जी, समर्थन की चिट्ठी कुमार स्वामी के पास, कांग्रेस ऐलान कर चुकी है, फिर किस बात आप लोग जा रहे हैं, क्यों सरकार बनने का दावा पेश कर रहे हैं? क्या बताएं, प्यार की बाजी वफा की राह में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर कभी। देखिए, आप तय नहीं कर पा रहे हारे की जीते। सुनिए ना, हम तो जीते हुए हैं। कहाँ? अगर समर्थन जो है, सुनिए ना, समर्थन, जीत और सरकार दो अलग अलग चीजें स्पष्टता से दिख रही हैं यहाँ पे। जनादेश में सबसे बड़ा जनादेश भाजपा को मिला, कांग्रेस के खिलाफ जनादेश क्या,
और जेडीयू जेडीएस जो है वो सबसे छोटी पार्टी है इस सारी व्यवस्था के अंदर, लेकिन हर एक को हक है अपनी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का, उसमें क्या बात है। प्रश्न यह है कि संवैधानिक प्रावधान भी हैं, परंपराएं भी हैं, स्थितियां जिस तरह बदल रही हैं, अभी तो जैसे मैंने कहा अभी तो 180 नतीजे ही निकले हैं, अभी तो और बचे हुए। तो जनता पार्टी ने मैं अपना बात खत्म कर लूं, अच्छा रहेगा हम लोग आपस में ना करके। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अगले कुछ घंटे, अगले एक आध दो दिन सारी व्यवस्था में स्थितियां स्पष्ट करेंगे। भाजपा क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी की ओर से उभरी है, जनादेश सबसे बड़ा हमारे पास है, जनता का समर्थन है, इसलिए स्वाभाविक तौर पे हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और मुद्दा पेश करेंगे। देवाशी, केवल एक चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, वरना जितनी भी संवैधानिक प्रावधान ये गिना रहे हैं वो गोवा के टाइम पे हम लोग देख चुके हैं। जिसको लार्जेस्ट पार्टी होना चाहिए था उसको बुलाना चाहिए था, वहाँ पर ये बात मानती नहीं, वहाँ बोलते हैं कि लार्जेस्ट कोलिशन को बुला लो भाई। अब यहाँ लार्जेस्ट कोलिशन बन गया तो बोलते हैं लार्जेस्ट पार्टी को बुला लो भाई। यानी कहने की बात ये है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे गोवा में। आप ही तो ये सुनिए ना, गोवा में यही प्रावधान आप कह रहे थे, मणिपुर में प्रावधान आप कह रहे थे, अब उल्टा पड़ गया तो अब आपके बदल जाते हैं। मेरे बाप का सरकार प्रश्न दूसरा है, प्रश्न ये है कि आज मतलब ये मानी कि आपने वहां गलती की थी, या तो आप यहां आज सही कर रहे हो या वहां गलत किया था। आप तय करिए ना कि सही क्या था गलत क्या था। अरे ये आपको तय करना है, आप कहिए कि वो ठीक था, आपको तय करना था। नहीं अभी अरे कमाल है, आपको तय करना है, वो तो पहले हो चुके हैं। देखिए बमोई केस, बमोई केस में एक प्रावधान है, उसके बाद राज्यपाल के विवेक का एक प्रावधान है, बिल्कुल ना वो गैर संवैधानिक है ना ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में ही है। इसके बाद उसके बाद क्या होगा, ये तो अब गवर्नर का विवेक जो है विशेष अधिकार, उसको आप या मैं ले लें, ये तो यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और शायद यही हिंदुस्तान की लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि जो पार्टी सबसे छोटी है उसका मुख्यमंत्री बनने वाला है। कांग्रेस का तो इतिहास है, मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं, कांग्रेस का इतिहास है कि एक अकेला मधु गौड़ा, यस मैं वही, और इन्होंने जो है 2.5 साल तक उसकी सरकार चला दी। अभय दुबे है, सत्ता की की लालसा और लिप्त होके कांग्रेस कहीं तक जा सकती है। अभय दुबे बैठ रहे हैं, अभय दुबे मैं रिएक्शन लूंगा आपसे, लेकिन मेरे साथ मैं आता हूँ, मेरे साथ मेरे रिपोर्टर संजय तिवारी जुड़ गए हैं जो राजभवन के बाहर मौजूद है बेंगलुरु में। संजय, क्या येदियुरप्पा पहुंच चुके हैं और कुमारस्वामी कब आ रहे हैं? बिल्कुल सुमित, अब से बस 2 मिनट पहले ही येदियुरप्पा यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको गवर्नर ने 5 बजे का मिलने का समय दिया और वो यहाँ पर पहुँचे। येदियुरप्पा की गाड़ी सीधे अंदर चली गई, उन्होंने रिपोर्टर्स से जब हम लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए अपनी सरकार बनाने का दावा हम पेश करेंगे, ये कह के येदियुरप्पा अंदर चले गए हैं और वो गवर्नर से इस समय उनकी मुलाकात चल रही है। मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुमार स्वामी मिलने के लिए यहाँ पर गवर्नर हाउस आ रहे थे, लेकिन उनको ये कहा गया कि उनको ये सूचना गवर्नर हाउस से दी गई कि आपको 5:30 बजे का मिलने का समय दिया गया है, वो बीच रास्ते से लौटे हैं और उसके बाद डीके शिवकुमार जो है वो यहाँ पर आए हैं, उनकी गवर्नर से मुलाकात हुई और ये कंफर्म हुआ है। तो कुल मिला के जो कहानी ये है कि अब गवर्नर के हाथ में, गवर्नर के हाथ में सारी चीज़ें हैं कि वो किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कांग्रेस और जेडीएस के पास स्पष्ट बहुमत अगर दोनों को मिला ले तो मैजिक फिगर के ऊपर जा सकते हैं। क्या जॉइंट डेलीगेशन आने वाला है जेडीएस और कांग्रेस का इस मुलाकात के बाद राजभवन? सुमित, हमारे पास जो खबर है कि पहले जेडीएस के नेता कुमार स्वामी आके मिलेंगे और उसके बाद कांग्रेस के नेता भी साथ में उसके पीछे से आएंगे और वो भी गवर्नर के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन 5:30 बजे का समय जेडीएस के नेता कुमार स्वामी को दिया गया है जिनको यहाँ पर आना है और गवर्नर के पास वो अपना दावा पेश करना है। कांग्रेस के सिद्धारमैया जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री वो गवर्नर से मुलाकात कर अपने समर्थन का पत्र जो है वो गवर्नर को ऑलरेडी सौंप चुके हैं। जी, समर्थन का पत्र सौंप चुके हैं सिद्धारमैया की तरफ से, जेडीएस के तौर पर कांग्रेस उसके पीछे खड़ी हो गई है, बीजेपी को नहीं बनने देना, इसीलिए जेडीएस के सर पर रखकर, जेडीएस के कंधे पर रखकर अब बंदूक चलाया जा रही है, निशाना साधा जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण सिंह भी जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, जिन्होंने कुछ देर पहले बात की है वेणुगोपाल साहब से, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। टू टेक ए क्लेम
ऑन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट टुगेदर, कांग्रेस एंड जेडीएस टुगेदर। सर आप लोग क्या सरकार में शामिल हो रहे हैं, आप लोग उसमें हिस्सेदारी करेंगे? डिप्टी सीएम डिटेल्स विल बी वर्क आउट इन लेटर ओनली, नॉट डिसाइडेड सो फार, डिटेल्स विल बी वर्क आउट ओनली लेटर। बीजेपी कह रहे हैं कि बहुमत जो मिला है वो उनको मिला है, ज्यादा सीट उनको मिला है। व्हाट हैपेंड इन गोवा, व्हाट हैपेंड इन मणिपुर विद द कंट्रीज विटनेस, वी हैव अ क्लियर मेजॉरिटी हियर, कांग्रेस एंड जनता दल हैव अ क्लियर मेजॉरिटी, दैट इज अ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी इज द डेमोक्रेसी इन मेजॉरिटी इज द डेमोक्रेसी। हमने गोवा में देखा, जो हमको सिखाया बीजेपी ने उसी भाषा में हम उनको जवाब देना चाह रहे हैं। कांग्रेस के नेता लगभग इसी अंदाज में आज बात कर रहे हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, सुधांशु मित्तल यहाँ बैठे हुए हैं। अभय दुबे, क्या ये जायज़ हो रहा है? मैंडेट आपकी सरकार के खिलाफ आया है, आपकी सरकार चुनाव हारी है, 124 से घटकर 78 पर जा रही है। अभय दुबे, कर्नाटका के मैंडेट को, कर्नाटका का मैंडेट क्या है? कर्नाटका के मैंडेट ने साफ किया कि अकेले सिद्धारमैया या कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने नकारा और ये जनादेश दिया कि 60% जनता ने ये जनादेश दिया कि कलेक्टिवली हमारा नेतृत्व जेडीएस और कांग्रेस करें, और यही भारत का संविधान भी कहता है। आप याद करिए कि जब गोवा का निर्णय हुआ था तो अरुण जेटली साहब ने क्या कहा था, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली राइट टू इन्वाइट लार्जेस्ट कोलेशन। अब जो सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन या बोम्बई जी का निर्णय है उसको आधार बनाकर हमने ये कहा कि तीन ऑप्शन उन्होंने दिए थे कि या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, या प्रीपोल अलायंस हो, या पोस्टपोल अलायंस हो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के विवेक पर ये निर्णय है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर विवेक से निर्णय लेंगे। भारतीय तो गवर्नर का विवेक तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ भी जा सकता है, तब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए बहुत अच्छी बात है, हमने ये भी कहा कि आर्टिकल 175 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहता है कि गवर्नर कॉल कर ले सारे राजनीतिक दलों को, उसको एक अधिकार दिया हुआ है संविधान ने, और फ्लोर ऑफ द हाउस पर टेस्ट कर ले। लेकिन ये हॉर्स रेडिंग के लिए तो ओथ के बाद ही होगा ना, सुन लीजिए, फ्लोर पे तो ओथ के बाद ही जाएंगे ना भाई जी। नहीं नहीं बिल्कुल, ये नहीं, ये देखिए मैं इसलिए हंसने की आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल 175 उठा करके पढ़ लीजिए आप, वो ये कहता है कि गवर्नर बगैर किसी को ओथ दिलाए भी हाउस को किसी भी वक्त कॉल कर सकता है, और वो कॉल करे जी। आज तक सुना है? अरे ये कहा आज तक के आर्टिकल निकालिए, आर्टिकल निकालिए संविधान के इतिहास में, विशेषज्ञ आज तक कभी सुना है आपने ये? अरे ये नहीं, तो नहीं परिभाषा 175 का जो है इंटरप्रिटेशन जो है मुंबई केस में हो चुका है, सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दो चीजें कही, एक कहा कि भाई विवेक क्या है मणिपुर में, क्या किया मापदंड के लिए, उन्होंने तीन उनके ऑप्शन दिए कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, पहला कि गवर्नर सही है, लार्जेस्ट लेकिन इसमें आपके क्या विवेक होगा गवर्नर का, ये कट है कि भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया है। प्रीपोल अभय जी, कोलिशन प्रीपोल नहीं होता, प्रीपोल अलायंस होता है, अलायंस अलायंस कर लीजिए भाई, अलायंस कोलिशन में अब सर कोलिशन में फर्क क्या है? मैं आता हूं अभी, अभय जी, अभय जी, अभय जी से एक सवाल पूछ लीजिए कि बीजेपी की बी पार्टी को समर्थन कर रही है। सुमित जी जी जी, सुमित जी पूछिए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं अभिजय। अभय जी, आपके अध्यक्ष जी तो बीजेपी की बी पार्टी है, तो बीजेपी की बी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? समझौता ये प्रश्न वो बी पार्टी पूछ रहे हैं, बीजेपी की बी पार्टी नीतीश कुमार के डीएनए तो पे सवाल खड़ा बी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, ये प्रश्न वो लोग कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में जाकर बाप बेटी की भ्रष्ट सरकार बताते थे, ये वो लोग प्रश्न कर रहे हैं हमसे। अरे वो सेक्युलर है, उन्होंने सिद्ध कर दिया, हमने सवाल खड़ा किया था, आपके अध्यक्ष ने कहा, उन्होंने सिद्ध किया बीजेपी की बी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप। उत्तर तो और गोवा वाला किस्सा भी मैं बता दूं आपको, गोवा का ये जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नंबर बता दीजिए, एफिडेविट ले आइए, वो ला नहीं पाई थी कांग्रेस। आप सबके पास लौटता हूँ, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है, आपको आपसे एक सवाल हाथ उठा के, क्या बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए बड़ी पार्टी होने के नाते? कितने लोग समर्थन में हैं? यहाँ जो लोग बैठे हैं ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। मैं इसी नोट के साथ डिबेट की शुरुआत करूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।